हेडिंग डालते हैं हमारे पास फंजाई। फंजाई के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट, समझा? इसका जो डेवलपमेंट होता है डिराइव फ्रॉम माइकोटा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, माइकोटा भी बोलता हूँ। और अगर स्टडी की जाए फंजाई की, क्या बोला जाए, अगर स्टडी की जाए फंजाई की, तो फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई को ही हम क्या बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, मैं इवोल्यूशन अगर पढ़ा रहा हूं, तो इससे पहले मैं अभी क्या पढ़ाया था आपको, प्रोटिस्टा में सबसे लास्ट पॉइंट क्या पढ़ाया था, प्रोटोजोआ, ठीक है। यानी अगर किसी भी फंजाई की ओरिजिन हुई होगी तो कहां से हुई होगी, प्रोटोजोआ से, समझ रहे मेरी बात। यानी जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो इवोल्यूशन के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना। अगर इवोल्यूशन के हिसाब से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोला हमने, माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी के बारे में क्या समझना है, हमने ये कहा कि ये कहां से आया हुआ है, तो लिखेंगे डिसेंड्स फ्रॉम, डिसेंड्स फ्रॉम फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, डिसेंड फ्रॉम फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, डिसेंड्स फ्रॉम फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। क्लियर? चलिए बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि अगर कोई भी प्रोटोजोआ की बात की जाए, क्लियर, प्रोटोजोआ से क्या आया, फंजाई आई, तो न्यूट्रिशन किस टाइप का होगा, फंजाई में न्यूट्रिशन, प्रोटोजोआ क्या है, एनिमल्स, तो इनके पास क्या होगा कि जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, कैसा न्यूट्रिशन बताइए, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनके अंदर पाई जाएगी। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? यानी इनके मैक्सिमम कैरेक्टर किससे सिमिलर होंगे, एनिमल्स से, ठीक है। बट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, काइटिनियस सेल वॉल पाए जाएंगे, बस। क्लियर? थोड़ा बहुत तो लिखेंगे हमारे पास मोर सिमिलर टू एनिमल्स। यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होने की वजह से ये मैक्सिमम सिमिलरिटीज किससे सिमिलर कर रहे हैं बताइए, मोर सिमिलर टू एनिमल्स। क्लियर? मैक्सिमम कैरेक्टर इनके किससे मिल रहे हैं बताइए, एनिमल्स से मिल रहे हैं। क्लियर? फंजाई के दूसरा पॉइंट हमें यह भी बात याद रखना है कि मैक्सिमम जो फंजाई होती है वो यूनिसेलुलर होती है या मल्टी सेलुलर होती है, तो नोट डाल करके लिखेंगे, most of the fungi are haploid except albugo को छोड़ करके मैक्सिमम फंजाई कैसी है बताइए, एल्ब्यूगो को छोड़ करके मैक्सिमम फंजाई कैसी है, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब हमें क्या क्या याद रखना है कि इनके एग्जांपल याद रखने हैं, क्या याद रखने हैं, एग्जांपल। हम आपको कुछ बातें बताना चाह रहे हैं, ध्यान समझिए, यानी इनके कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो लिखेंगे फंजाई आर क्लासिफाइड क्लासिफाइड इनटू डैश करके चार हम क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। क्लियर? पहला लिखेंगे
पहला लिखेंगे बेसिडियो माइसिटिस, नंबर वन पे क्या लिखेंगे बेसिडियो माइसिटिस, सेकंड में लिखेंगे एस्कोमाइसिटिस, सेकंड क्या लिखेंगे एस्कोमाइसिटिस, थर्ड हमारे पास लिखेंगे ड्यूटेरोमाइसिटिस, थर्ड में लिखेंगे ड्यूटेरोमाइसिटिस, फोर्थ में लिखेंगे फाइकोमाइसिटिस, इनके चार ग्रुप हैं। क्लियर? किस बेसिस पे, किसके बेसिस पे, अब हमें याद रखना है। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग हम डिवीजन कर रहे हैं। चार ग्रुप हमें नाम याद रखने हैं। पहला क्या याद रखना है, बेसिडियोमाइसिटिस, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट फाइकोमाइसिटिस। क्लियर? अब क्या करते हैं, फंजाई को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक है परफेक्ट फंजाई, एक होता है इम्परफेक्ट फंजाई। परफेक्ट फंजाई क्या बोलते हैं और इम्परफेक्ट फंजाई किसे कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस बेसिस पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हमारे पास फंजाई को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक फंजाई इम्परफेक्टाई या फिर परफेक्टाई फंजाई। क्लियर? तो हमारे पास किसके बेसिस पे बोला हमने, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हमारे पास फंजाई कितने तरीके के, दो। एक आता है हमारे पास परफेक्टाई फंजाई और एक आता है हमारे पास इम्परफेक्टाई फंजाई। जल्दी करिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक परफेक्टाई फंजाई, एक होता है इम्परफेक्टाई फंजाई। परफेक्टाई फंजाई और इम्परफेक्टाई फंजाई। आगे की तरफ बढ़े, सुनते दर्शक, परफेक्टाई फंजाई में हमारे पास बी ए पी आएंगे। बीएपी का मतलब है बेसिडियो माइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज और इम्परफेक्ट टाइम में बताइए, ड्यूटेरोमाइसिटीज। आगे की तरफ पढ़े, अब सुनते जैसे किसी भी फंजाई को अगर हमें पढ़ना है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल। इस चैप्टर की जान क्या है, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठेंगे। क्लियर? तो सभी के हम एक तरफ से एक तरफ एग्जाम्पल लिखवाना चाह रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले किसके एग्जाम्पल लिखेंगे, बेसिडियोमाइसिटिस के। सुनते जैसे अब हमें क्या करना है, आपको अच्छे से एग्जाम्पल याद रखना है बस। क्लियर? तो एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियो माइसिटीज, बेसिडियो माइसिटीज के एग्जाम्पल। पहला हमारे पास आता है अस्टिलागो। लाइन बाय लाइन लिखेंगे, कॉमा लगा करके नहीं लिखेंगे, ठीक है? अस्टिलागो, पक्सिनिया, पक्सिनिया, थर्ड में हमारे पास है एगेरिकस। यानी इनके एग्जांपल में हमारे पास कौन कौन से, अस्टिलागो, पक्सिनिया एंड एगेरिकस। हो गया? अब सुनते जैसे हमें क्या करना,
इनके कॉमन नेम से भी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और ये क्या कॉज करते हैं उसके बेसिस पे इनका नाम पड़ता है, क्लियर। जैसे अस्टिलागो, क्लियर, इसको हम लिखते हैं स्मट, क्या लिखते हैं, पक्सिनिया को हम लिखते हैं रस्ट, क्या लिखते हैं, रस्ट, और एगेरिकस को हम लिखते हैं मशरूम। जल्दी करिए, हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है। अगर मुझे एग्जांपल अगर पढ़ने हैं एस्कोमाइसिटीज के, किसके, एस्कोमाइसिटीज के, तो एस्कोमाइसिटीज में सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास आता है क्लेविसेप्स, दूसरा एग्जांपल आता है एस्परगिलस। कंफ्यूजन मत होना, ये एगेरिकस है, ये एस्परगिलस है, ठीक है, और थर्ड आता है हमारे पास न्यूरोस्पोरा। क्लेविसेप्स को हम लिखते हैं एर्गोट लिखते हैं, एगेरिकस को वीड ऑफ लेबोरेटरी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेबोरेटरी लिखते हैं, इनका कंपैरिजन ड्रोसोफिला से किया गया है, किसे किया गया है, ड्रोसोफिला से किया गया है। कई कई जगह पे हमारे पास ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम से पूछा गया है, इसका मतलब क्या समझते हैं, है तो फंजाई ना, तो प्लांट किंगडम क्यों बोला गया, जब हमारे पास क्लासिफिकेशन हो रहा था तो शुरुआत के दिनों में फंजाई कहां पर रखा गया था, प्लांटी में, ठीक है, क्यों रखा गया था, सेल वॉल पाई गई थी, क्लियर। ड्यूटेरोमाइसिटिस, एग्जांपल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस में सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास आता है कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, सीएचओ है क्या, देख लीजिए ट्राइको में, ट्राइकोडर्मा एंड ट्राइकोफाइटोन। चलिए सुनते जैसे कोलेटोट्राइकम में हमारे पास रेड रॉट ऑफ सुगर केन, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ट्राइकोडर्मा में लिखेंगे साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन के बारे में कभी नाम सुने हो, एक तरीके का इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स में यूज किया जाता है, बोलिए याद है। ट्राइकोफाइटोन में हमारे पास कभी कभी इनको बोलते हैं फंगस ऑफ एथलीट फुट, अक्सर क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा दौड़ते रहते हैं तो उनके मॉइस्चर बन जाते हैं यहाँ पर पैरों के नीचे, अंगूठों के अंदर, ठीक है, उंगलियों के बीच में, तो वो फंगस कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्राइकोफाइटोन, उनके पैरों में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा हमारे पास फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटीज में हमारे पास राइजोपस, एल्ब्यूगो,
म्यू का। चलिए सुन रहे हैं, राइजोपस के बारे में क्या बोला गया है? आपने कभी भी ब्रेड मोल्ड देखा है? क्लियर। एल्बिगो में पैरासाइट ऑफ मस्टर्ड प्लांट, म्यूकर में हमारे पास डंग माउल्ड, क्या ये भी देखा है? एग्जाम्पल एक तरफ से एक तरफ हमें बताइए, याद करने का तरीका। ठीक है, अगर बेसिडियोमाइसिटीज में आपकी बात की जाएगी तो बेसिडियोमाइसिटीज में हमारे पास कितने लोग? तीन लोग। ठीक है, कौन कौन से? अस्टिलागो पी से, पक्सिनिया ए से, एगेरिकस एस्परगिलस नहीं करना। ठीक है, फिर ये किसका बात बताया? बेसिडियोमाइसिटीज का। क्लियर। फिर उसके बाद क्या आया था? एस्कोमाइसिटीज का। एस्कोमाइसिटीज में हमें ये तीन बात याद रखनी है। क्लियर, कौन कौन से? सी का मतलब क्या याद रखना है? क्लेविसेप्स। ए का मतलब एस्परगिलस यहाँ याद रखना है। एन का मतलब न्यूरोस्पोरा याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या याद रखना है? डिट्रोमाइसिटीज था, तो डिट्रोमाइसिटीज का याद रखना है। ठीक है, डिट्रोमाइसिटीज में हमारे पास क्या याद रखना है? कैट याद रखना है। क्लियर। सी का मतलब हमने क्या समझाया अभी आपको? ठीक है, इस सी में एस्कोमाइसिटीज में यहाँ पे क्लेविसेप्स, यहाँ पे क्या याद रखना है? डिट्रोमाइसिटीज में कोलेटोट्राइकम। क्लियर। फिर उसके बाद ए का मतलब हमने क्या बताया था अभी आपको? अल्टरनेरिया। फिर यहाँ पर तीन टी, दो टी का मतलब क्या है? ट्राइकोडर्मा एंड ट्राइकोफाइटोन। क्लियर। और लास्ट में जाने के बाद राम भगवान का नाम ले लीजिएगा। ठीक है, आर से क्या याद रखेंगे? राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर। ठीक है, आर में राइजोपस कैसा माउल्ड है? ब्रेड माउल्ड है। ये क्या है? एल्बिगो कैसा है? पैरासाइट्स ऑन मस्टर्ड प्लांट। एम का मतलब क्या समझेंगे? म्यूकर। ठीक है, म्यूकर कैसा है? डंग माउल्ड है। क्लियर, इनके कॉमन नेम याद रखने हैं हमें, यहां से क्वेश्चन उठने के चांसेस 100% बनते हैं। क्लियर। अब कुछ बातें हमें याद रखनी है कि ये ब्लाइट क्या है। क्लियर, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लाइट एक डिजीज डिसऑर्डर होती है, डिजीज होती है, ठीक है, पोटैटो में, तो दो तरीके के, एक अर्ली ब्लाइट होते हैं, एक लेट ब्लाइट होती है। ठीक है, तो अर्ली ब्लाइट किस में आता है, किसकी वजह से होता है बताइए? अल्टरनेरिया की वजह से होता है। क्लियर, तो यहां पे हमारे पास आगे बढ़ते हैं, एक सही से हेडिंग डालते हैं, ब्लाइट ऑफ, बीचों बीच डालेंगे। ठीक है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट ऑफ पोटैटो में एक अर्ली ब्लाइट, एक हमारे पास कैसे अर्ली ब्लाइट, एक आता है हमारे पास लेट ब्लाइट। एक अर्ली ब्लाइट, एक होता है हमारे पास लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट किसकी वजह से बताइए? कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया। क्लियर, ये आपके एनसीईआरटी ने दिया है, बट एक और होता है सोलोनिया, ये हमारी तरफ से लिख लीजिएगा। क्लियर, लेट ब्लाइट हमारे पास फाइटोप्थोरा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फाइटोप्थोरा। सुनते ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़े, हो गया। हम आपको एक पौधा बता रहे हैं, ठीक है, एक पौधा है, इस पौधे पे हमारे पास ये मान चलते हैं वीट प्लांट है। कैसा प्लांट है? यह हमारे पास वीट प्लांट है। क्लियर, वीट प्लांट पे क्या होता है? इन्फेक्शन होता है हमारे पास, वीट प्लांट पे इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन बाय क्लेविसेप्स। ठीक है, क्लेविसेप्स किस टाइप का है फंजाई? सही है। ठीक है, इनका पूरा नाम है क्लेविसेप्स परप्यूसस। ठीक है, जब भी ये इसको इन्फेक्ट करती है,
इनके मिडिल पार्ट में यहाँ पर एक फंगस एराइज होने लगती है, एक फंगस बनने लगती है, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं RYE, राई। क्लियर? ये एरगोट होती है एक तरीके की। कैसी होती बताइए? ये याद है, उसी को तो बोल रहे हैं। क्लियर? ये धीरे धीरे बनने लगती है, और ये जो क्लेविसेप्स परप्यूसस है वो तीन तरीके की केमिकल्स रिलीज करती है। कितने तरीके की? थ्री टाइप्स की। क्लियर? यहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तीन तरीके की केमिकल्स। क्लियर? पहला एक केमिकल का नाम आपने कभी सुना है, LSD। LSD एक तरीके का स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होता है। क्या होता है? हाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होता है ये LSD, बनाई जाती है इन्हीं से। क्लियर? फुल नेम लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, ठीक है। ये कॉज करता है स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट। क्लियर? दूसरा, हमारे पास एक केमिकल्स रिलीज कराते हैं न्यूरोटॉक्सिन, डायरेक्ट ब्रेन पे ही अटैक करता है। क्लियर? एक है हमारे पास गार्ग्रीन, जल्दी करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, हो गया होगा। चलिए, जितना पढ़ा है उतना पॉइंट लिख लेते हैं पॉइंट में, ठीक है। तो लिखेंगे एक पॉइंट लिखेंगे, राई इज इन्फेक्टेड RYE, ठीक है। राई इज इन्फेक्टेड विद क्लेविसेप्स परप्यूसस। यहाँ पे क्लेविसेप्स परप्यूसस दैट फंगल इन्फेक्टेड दैट फंगल इन्फेक्टेड राई। अब ऐसा राई जो फंगस से इन्फेक्ट हो चुका है, ठीक है, दैट फंगल इन्फेक्टेड राइस हैज सम केमिकल्स, इनके पास कुछ केमिकल्स आएंगे, ठीक है, हैज सम केमिकल्स LSD न्यूरोटॉक्सिन गार्ग्रीन। दूसरा पॉइंट लिखते हैं हमारे पास, अब सुन दे, दूसरा पॉइंट अब हम समझा रहे हैं आपको, इधर देखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर फंजाई की हैबिटेट्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हैबिटेट्स की बात करेंगे, तो किसी भी तरीके की जो फंजाई होती है वो भी कॉस्मोपॉलिटन होती है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। क्या है कॉस्मोपॉलिटन भैया? जो हर जगह पाई जाए, ठीक है, तो यानी फंजाई जो होती है वो हर जगह पाई जा रही है, बट एनसेटिन ने ऐड कर लिया है, बट ये प्रीफर करता है पे कहां पे ग्रो करे, ठीक है, तो ह्यूमिड एरियाज में ये ग्रो करने के लिए प्रीफर करते हैं। तो लिखेंगे फंजाई आर प्रेजेंट एवरीवेयर that is cosmopolitan, but prefer to grow hot and humid environment. क्लियर? अब सुनते ध्यान से, इधर देखिएगा, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। कोई भी अगर हमारे पास फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है, उसकी तीन वजह मैं बता रहा हूं। कितनी वजह? तीन वजह।
पहली वजह ये होती है कि किसी भी प्रकार के फंजाई में उनके पास वैरायटीज ऑफ एंजाइम्स पाई जा रही है। जितने डिफरेंट वैरायटीज के एंजाइम्स पाई जा रही हैं उतना ही अच्छा उनका न्यूट्रिशन होता है। किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करने के लिए ये कैपेबिलिटी रखते हैं। क्लियर? आपसे अगर कोई पूछा जाएगा कि हमारे पास फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है उसकी पहली वजह क्या बताएंगे, इट हैज वैरायटीज ऑफ एंजाइम्स या फिर कह सकते हैं वर्साटाइल एंजाइम्स। ठीक है, यानी इनके पास एक ऐसी एंजाइम्स है जो हर तरीके की रोल अदा कर सकती है। क्लियर? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कर सकती है, रिस्पायरेशन भी कर सकती है, हर चीज करने की कैपेसिटी रखती है वो। दूसरी वजह क्या होती है, इनके पास क्या पाई जाती है कि फ्लेक्सिबल सेल वॉल पाई जाती है, और वो जो फ्लेक्सिबल सेल वॉल की बात कर रहे हैं वो काइटिनस सेल वॉल की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी फ्लेक्सिबल चीजें होती हैं वो बहुत ही अच्छे से एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेती हैं, और जितनी हार्ड चीजें होती हैं वो उतना ज्यादा अडॉप्ट नहीं कर पाती। क्लियर? इसलिए जिंदगी में फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं पे भी हार्ड हो गए तो समझ जाइए कि आपका कहीं ना कहीं लॉस ही होगा। हर जगह कोई इंसान हर जगह नहीं टिक पाता। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसा ही इन्वायरमेंट में रहूंगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। क्लियर? तो पहली वजह क्या बताइए? अरे पहली वजह वर्साटाइल एंजाइम्स। ठीक है, दूसरी वजह फ्लेक्सिबल सेल वॉल। तीसरी वजह क्या है, इनके अंदर एब्जॉर्प्शन की जो इफिशियंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, यानी किसी भी तरीके से मॉइस्ट एरियाज में से वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये जो फ्लेक्सिबल सेल वॉल होती है ज्यादा वाटर अगर कभी भी एब्जॉर्ब कर ले जाए तो ये बर्स्टिंग नहीं होने देता, फ्लेक्सिबल है ना, इसलिए अगर फ्लेक्सिबल ना होता तो फट जाता। ठीक है, तो यानी हमने ये कहा कि फंजाई जो होती है, ध्यान सुनिएगा, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, ड्यू टू नंबर वन क्या बताएंगे? नंबर वन वर्साटाइल एंजाइम्स। ठीक है, दूसरा बताइए फ्लेक्सिबल सेल वॉल, या इसी को मैं क्या नाम दूं, काइटिनस सेल वॉल। क्लियर? थर्ड बताइए क्या, हाई एब्जॉर्प्शन इफिशियंसी। हो गया, चलिए सुन देते हैं आगे। हमने ये कहा, दूसरा पॉइंट आपको समझा रहे हैं, कोई एक फंगस हमने बनाया, मान चलते ये कोई एक फंगस है, ये फंगस है, फंगस के ऊपर ये हमारे पास उसकी क्या लगी हुई है, सेल वॉल लगी हुई है। क्लियर? हम एक तरफ से एक तरफ पढ़ाना चाह रहे हैं, इनके अंदर कई सारे वैरायटीज के एंजाइम्स पाए जा रही हैं। इनके पास क्या पाई गई, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स पाई गई। एक फंजाई के अंदर तीनों कैरेक्टर में बता दे रहा हूं, ठीक है, वैरायटीज ऑफ एंजाइम्स पाई गई जो हेल्प कर रही है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में। किसमें मदद कर रही है बताइए, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में मदद कर रही है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम यहां पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इनके अंदर कैसा सेल वॉल पाया गया बताइए, काइटिनस सेल वॉल पाया गया, और काइटिनस सेल वॉल कैसी होती है बताइए, फ्लेक्सिबल होती है। किसकी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम कहां से बताइए, बर्स्टिंग से हमें बचा रहा है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इनके पास क्या पाई गई है बताइए, हाई एब्जॉर्प्शन इफिशियंसी।
इफिशियंसी, क्लियर। सॉयल से या फिर हमारे पास मिनरल्स आयंस को अगर एब्जॉर्ब करना होगा तो आप सिंबायोटिक एसोसिएशन कर लीजिए, ठीक है, किसके साथ, फंजाई के साथ। जितना हाई स्पीड से वो मिनरल्स आयंस और वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं उतना तेजी से कोई नहीं, समझा रही मेरी बात, तो हमेशा यही बात याद रखना है। लिख लीजिएगा, ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन मिनरल्स एंड वाटर, हो गया। चलिए बताइए काइटिन क्या है, काइटिन क्या है, चलिए ऑप्शन बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा काइटिन क्या है तो पहला ऑप्शन में आता है हमारे पास पॉलीसेक्राइड, दूसरा ऑप्शन में आता है हमारे पास प्रोटीन, थर्ड आता है हमारे पास फैट, फोर्थ आता है हमारे पास मोनोसेक्राइड। आंसर क्या होगा, आधा ज्यादा लोगों को पता होगा कि काइटिन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है, क्लियर, अभी तक सबको पता होगा, ठीक है, पॉलीसेक्राइड है। लग नहीं रहा है ना, लगेगा कैसे, अभी डायग्राम बनाएंगे तब लगेगा। और सच पूछो तो ये पॉलीमर है किसका, नाग का। नाग क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है, उसका पॉलीसेक्राइड है, पॉलीमर है ये। सुन देते हैं, क्लियर, ये हमने बनाया ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज नहीं, बीटा ग्लूकोज लिख सकते हैं, ठीक है, जब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है, बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, लिवो रोटरी, डेक्स्टो रोटरी सब बताएंगे, क्लियर। अब हमारे पास क्या आता है कि इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, एमिनेशन करना चाह रहे हैं, क्लियर, ये क्या हो गया हमारे पास एन एसिटाइल कुछ शॉर्टकट लगा, बीच में एक स्टेज आती थी, ठीक है, पहले मैं अमीनो ग्रुप जोड़ता था फिर उसके बाद एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराता था, याद आ रही है, वो चीजें मैं भूल गया, पता है क्यों, पढ़ा चुका हूं ना, एनसीईआरटी बन गया, क्लियर। पहले इसको मैंने क्या किया, एमिनेशन करूंगा, अमीनो एसिड जोड़ूंगा, फिर एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराऊंगा, तब जाकर के एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन बनेगा, ठीक है। जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं बताइए, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तब जाकर के हमारे पास क्या बनता है, तब जाकर के हमें क्या बनना देता है, काइटिन, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड है, कैसी है बताइए, फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड है, क्लियर, जल्दी करिए, हाँ ध्यान सुनते हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि जितने भी फंगस होते हैं वो मैक्सिमम हेटरोट्रॉप होते हैं, और हेटरोट्रॉप्स में भी
डिकम्पोजर होते हैं। कैसे होते हैं? तो एक नोट डाल करके पॉइंट लिख लेते हैं, जनरल पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। फंजाई आर वेरी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, फंजाई आर वेरी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स वेरी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई कैसे है बताइए? डिकम्पोजर्स है, और डिकम्पोजर्स ये किसमें मदद करते हैं बताइए? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? किसी भी न्यूट्रिशन की ये रिसाइकलिंग में क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, कैसे रिसाइकलिंग में, जैसे कि ये कोई पेड़ पौधा हमने बनाया, क्लियर, यहां से कोई एक पत्ती गिरी, क्लियर, और ये पत्ती कहां पे आएगी? जमीन में। ये जमीन के अंदर जैसे ही जाएगी, यहाँ पे सॉयल के अंदर आएगी, और इस सॉयल में प्रेजेंट रहेंगे क्या हमारे? डिकम्पोजर्स। किसके फॉर्म में? फंजाई के फॉर्म में, ठीक है। जब यहां से ये डिकम्पोज करेंगे तो इनको हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को किसमें तोड़ रहे हैं बताइए? सिंपल में, ठीक है। वैरायटीज ऑफ एंजाइम्स है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, और ये सॉइल के अंदर क्या आ जाएगा? न्यूट्रिशन आ जाएगा, और इसी न्यूट्रिशन को कौन लेगा? प्लांट। प्लांट कहाँ जाएगा? पत्ती कहाँ आएगी? ये साइकिल चलता रहेगा ऐसे ही, क्लियर। किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट साइकिल में करते रहते हैं, क्लियर। दूसरा पॉइंट हमेशा ये याद रखना है कि जितने भी फंजाई होते हैं वो कभी भी ड्राई प्लेसेस में नहीं होंगे, सूखे हुए जगह पे नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। उनका बेस्ट इन्वायरमेंट क्या है बताइए? हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस। सुनते जैसे ये क्या है, हमने बताया ये सॉइल के अंदर, कैसे सॉइल में? मॉइस्ट सॉइल के अंदर, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मॉइस्ट सॉइल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, लिखेंगे। फंजाई आर मोर एक्टिव। मॉइस्ट सॉइल के अंदर फंजाई क्या होते हैं? बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज हाई, ठीक है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज हाई। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज हाई, क्लियर। सुनते जैसे हम आपको एक समझाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हम आपको बता रहे हैं। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था सॉइल के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर हाई होता है, क्या होता है बताइए? टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। जब ज्यादा टेम्परेचर होता है उस दौरान फंगस क्या होते हैं बताइए? फंगस क्या होते हैं? मोर एक्टिव होते हैं। कैसे होंगे? मोर एक्टिव होंगे, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा? तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है बताइए? हाई होगा, क्लियर। दूसरे साल क्वेश्चन में क्या आया? इन वॉटर, क्लियर, वॉटर के अंदर हमारे पास टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं बताइए? लेस एक्टिव होते हैं, और जब लेस एक्टिव होंगे तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीज करेगा, क्लियर। जल्दी करिए, आगे बढ़े।
चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। हेडिंग डालते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। स्ट्रक्चर ऑफ फंगस अगर हम किसी भी फंगस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, एक यूनिसेल्ड होते हैं। यूनिसेल्ड का मतलब फंगस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, क्लियर। और एक ऐसे होते हैं मल्टीसेल्ड जो हमारे पास क्या बनाते हैं, हाइफे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यानी एक होता है हमारे पास मल्टीसेल्ड। मल्टीसेल्ड का मतलब क्या समझते हैं, एक ये सेल, दूसरा ये सेल, तीसरा ये सेल, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये मल्टीसेल्ड। ये मल्टीसेल्ड को ही हम यहां से यहां तक की स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं बताइए, हाइफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। ज्यादा छोटा हो गया क्या, ये दिखाई दे रहा है, दूसरा पॉइंट हमारे पास सुन दे जैसे। अगर कोई भी हाइफे, अगर सिंगल हाइफे पाया जा रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, यूनिसेल्ड कहलाएगा, क्लियर। अगर यही कई सारे सेल्ड मल्टीसेल्ड होंगे तो क्या बोला जाएगा, हाइफे। अब इसे हाइफे को अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाए, कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए हाइफे का, ध्यान से देखिएगा कैसा अरेंजमेंट, हाइफे का अरेंजमेंट हम कुछ इस तरीके से करना चाह रहे हैं। चलो गोल गोल बना दे रहे, तुम लोगों को ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा आपको, क्लियर। अगर यही ऐसे तरीके का अरेंजमेंट होगा, ऐसे हाइफे को हम बोलते हैं माइसीलियम। क्या नाम देते हैं, माइसीलियम बोलिए। यूनिसेल्ड मल्टीसेल्ड हाइफे माइसीलियम में डिफरेंस समझ में आ रहा है, बात स्ट्रक्चर का डिफरेंस है बस और कुछ नहीं। माइसीलियम का भी स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, हाइफे ना समझ में आए तो फिलामेंट लिख सकते हैं आप, क्लियर। बट फिलामेंट अभी हम नहीं यूज करना चाहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे माइसीलियम क्या है तो क्या समझेंगे, इंटरवीनस मास, यानी उलझा हुआ फॉर्म, ठीक है। मास ऑफ फिलामेंटस फंगस को ही क्या नाम देते हैं, माइसीलियम, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन इफिशियंसी को। माइसीलियम और हाइफे में कौन किसकी एब्जॉर्प्शन इफिशियंसी ज्यादा होगी, माइसीलियम की, ये बात याद रखनी हमें।
ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। चलिए सुन रहे से। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिलामेंटस होती है। हम फिलामेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। फिलामेंट का मतलब क्या समझते हैं, ऐसा ही स्ट्रक्चर फिलामेंट वाला, क्लियर। इस फिलामेंट के अंदर अगर ये बीच बीच में अगर डिवाइडेड होगा तो क्या बोलेंगे, सेप्टम बोलेंगे, सेप्टेट बोलेंगे। अगर ये एब्सेंट हुआ तो, अगर ये एब्सेंट हुआ तो एसेप्टेट बोलेंगे। यानी हमारे पास जो स्ट्रक्चर होती है फंजाई की, अगर कोई फिलामेंटस फंजाई है तो ये दो तरीके के होगी, एक तो एसेप्टेट वाली और एक कैसी बताइए, सेप्टेट वाली, क्लियर। एसेप्टेट में हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरीके की फंजाई होगी, क्लियर। इनके अंदर क्या ऑप्शन दिख रही है बताइए, जो सेप्टम वॉल है वो क्या है बताइए, एब्सेंट है। सेप्टम वॉल एब्सेंट होने की वजह से क्या ये बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, अरे बोलिए, ये कैसे नजर आ रहे हैं बताइए, मल्टी न्यूक्लियट नजर आ रहे हैं कि नहीं। और अगर कहीं पे भी मल्टी न्यूक्लियट स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो क्या हम उसको सिनोसिटिक बोल सकते हैं, इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, सिनोसिटिक बोल सकता हूँ, जल्दी करिए। और अगर यही सेप्टम अब्सेंट हो तो, प्रेजेंट हो तो सेप्टेट बोलेंगे। ये कि ये जो सेप्टम आपको नजर आ रही है ये भी दो तरीके की होती है, एक तो सिंपल सेप्टम होते हैं, एक डोलीपोर सेप्टम होते हैं, क्लियर। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, इधर देखिएगा, हमने ये कहा कि ये जो सेप्टम होते हैं, सेप्टम भी कितने तरीके के हमने बताया, दो तरीके की बताए, एक तो ऐसा सेप्टम जिसको हम बोलते हैं सिंपल सेप्टम। जैसे सिंपल सेप्टम में क्या होता है, हम आपको ये कुछ इस तरीके के बता रहे हैं, ये एक सेप्टम, दूसरा सेप्टम, तीसरा सेप्टम, चौथा सेप्टम, ये कुछ इस तरीके के सेप्टम है, क्लियर। बट यहाँ की अगर बात करेंगे सेप्टम की तो कुछ इस तरीके के सेप्टम नहीं है नजर आएंगे आपको, लग तो रहा ये सेप्टम बट है नहीं, समझ आ रही बात, क्लियर। ये सेप्टम ये भी है बट ये सेप्टम की तरह नजर आ रहा है नहीं, इसको मैं बोलता हूं डोम सेप्ट या डोलीपोर सेप्टम, इसको मैं क्या बोलता हूं डोलीपोर, या इसी को मैं क्या बोलता हूं डोम सेप्ट सेप्टम, क्लियर। सिंपल सेप्टम हमारे पास एस्कोमाइसिटीज में पाए जाते हैं, कहां पे पाए जाते हैं, और इनके एग्जांपल हमारे पास है बेसिडियोमाइसिटीज
बट अब्सेंट इन ट्रस्ट में ही एब्सेंट होते हैं। क्लियर? ट्रस्ट एंड स्मार्ट लिख लीजिएगा।